राजकुमार चौहान लवली, ये सब लोग बीजेपी में जा चुके हैं। ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले हैं, फिर जा रहे हैं बीजेपी में को, जाए बीजेपी में को, बीजेपी का फायदा पहुंचाए। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहे और तो कांग्रेस की लड़ाई है। अभी फिर भसड़ हो जाएगी आप। मेरे पास एविडेंस रामवीर सिंह भितुड़ी के फार्म हाउसेस में, ये पिछले 15 दिन से, जिसमें हारून यूसुफ, सुभाष चोपड़ा और ये जीतू जो है ये अरेंज करता था, अरविंद सिंह लवली, ये पूरा आई आगे बोलिए, मुझे नहीं रोक सकते, ये यहाँ मुझे बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरी जुबान बंद करने की कोशिश कर रहा है। अरे यार क्या कर रहे हो यार, नहीं तो ये किस लिए आरोप क्या है? मेरा ये कहना है कि आप पार्टी में डिफरेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि आपकी मनमर्जी से डीपीसी नहीं चल सकती। ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां मैं 2 बार एमएलए रहा, 2 बार निगम पार्षद रहा, मेरी बेटी निगम पार्षद है यहीं से, मैं पिछले 4 महीने से नहीं जाता क्योंकि मेरे कहने से डीपीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, वो सॉरी ब्लॉक प्रेसिडेंट, लेकिन मैंने रिवोट नहीं किया ना, मैं खामोश बैठ गया। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जिस जो आपने जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें वादे रखे और तब रिजाइन किया है, और वो लेटर मीडिया को आप रहे, अगर आपकी नियत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को मनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को आपकी चलेगी उनकी नहीं चलेगी, ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी के की जगह 1-2 दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो है ये सुभाष चोपड़ा है। सुभाष चोपड़ा अभी आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। 3 दिन से सुभाष चोपड़ा जी, क्योंकि ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है, ये ईस्ट दिल्ली में आती है, सुभाष चोपड़ा मुझे 3 दिन से 20 कॉल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है उनके आए हैं। कल मैं उनके घर पे फ्रेंड्स कॉलोनी मिलने गया मजबूरन, जब वो बार बार कहने लगे तू मेरा छोटा भाई है, मेरी इतनी सी मुझसे मिलने भी नहीं आ सकता, मिटा दू। कल मुझसे कहते हैं कि लवली जी बहुत सख्त बीमार है, बहुत कंडीशन खराब है, तुम एक बार उनसे घर पे मिल लो जाकर। मैं क्या मैं मिलूंगा, क्या करूंगा मिलके? बोले कि अरीबा को सेंट्रल जोन का चेयरमैन बना दिया जाएगा आपकी बेटी को, और अरीबा को 4-5 करोड़ रुपया हम एमसीडी के कमीशन से दिलवा देंगे काम करने के लिए। तो मैंने कहा एक बार ये प्रोसेस है, मैं काउंसलर रहा हूं, एमएलए रहा हूं, मुझे पता है कि सब काउंसलर्स को बराबर बजट मिलता है और जो प्रपोजल लेकर जाता है, मुझे ये लालच कल सुभाष चोपड़ा क्यों दे रहे थे, क्यों मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं लवली जी से जाके मिलूं। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ओखला से, बटला हाउस से कोर में बिरयानी नहरियां बनकर रामवीर सिंह भितुड़ी के फार्म हाउस पर जा रहे थे और वहां पर ये सारी मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये आज का खेला नहीं है, ये पिछले से, आप यकीन मानिएगा। मैंने अपने कांग्रेस के कुछ लोगों को, मेरी हाईकमांड तक इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन काफी हद तक मैंने मतलब अपनी बात वहां तक पहुंचाई थी कि ऐसा खेल हो सकता है, ये होने जा रहा है। किसका प्लान है? प्लान है, किसका प्लान है? प्लान किसका है? किसका प्लान
था बीजेपी के साथ सुभाष चोपड़ा को, सबसे पहले सुभाष चोपड़ा जी को निकालना चाहिए पार्टी से। ठीक है ठीक है। शीला दीक्षित जब डीपीसीसी की प्रेसिडेंट बनी थी तो बाहर से यूपी से लाकर उनको डीपीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था। लवली जी जा रहे थे, सुभाष चोपड़ा जा रहे थे, हारून यूसुफ जाते थे, हम तो नहीं जाते थे ना। आप उस साइड पे क्यों गए थे? हम नहीं होंगे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान का जो डिसीजन होगा, शुरू में हम भी नहीं जाते थे आम आदमी पार्टी से अलायंस हो, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का फैसला है हम उसको मानेंगे। ये बात अगर आपको रिजाइन करनी थी, जिस दिन से मार्केट में ये बात चली कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने जा रही है, आपको जब ही रिजाइन कर देना चाहिए था। आप उनकी भ्रष्टाचारियों की सपोर्ट में वहां जाके धरनों में शामिल थे। लेकिन तमाम कांग्रेस के नेता बाबरिया को हटाने की मांग कर रहे हैं, कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी हटा रहे हैं, उदित राज को हटाने की मांग हटाया जाए। बेहतरीन कैंडिडेट है कन्हैया कुमार, बेहतरीन कैंडिडेट है जेपी अग्रवाल, और ये जीत कर आएंगे। आपको पार्टी प्लेटफॉर्म पर ये बात रखनी चाहिए, आप पार्टी के इंटरनल मैटर्स को मीडिया के जरिए और जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे आप वो काम करेंगे तो हम अपोज करेंगे। आगे आपका क्या एक्शन प्लान है? अपोज करेंगे आप किसे? जो ये लोग मांग कर रहे हैं बाबरिया को हटाने, इन्हें कौन पूछ रहा है? इनकी सबकी जमानतें जब्त हो गई है। हम ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से दो काउंसलर की सीटें इन हालात में भी जीत कर आए। जरूरी नहीं है जितने कैंडिडेट हम सब जीत जाए, लेकिन हम बड़ी तादाद में तीन सीटों में से निकाल के। सुभाष चोपड़ा आप पूछ सकते हैं कि तीन दिन से मुझे कम से कम उन्होंने 50 फोन करे हैं, और उन्होंने मुझसे कल कहा कि यार मैं मेरा छोटा भाई है, मेरी इतनी सी भी बात नहीं रख सकता कि मेरे घर आ जाए। मैंने कहा मैं घर आ जाऊंगा, मुझे क्योंकि खेलने का पता था तो मैं नहीं जाना चाहता था डीपीसीसी। तो यहाँ राजकुमार उन्होंने सुभाष चोपड़ा ने कल मुझसे 12 बजे, ठीक मैं उनके घर पे था, मेरी लोकेशन है मेरे पास मोबाइल उनके नंबर से, उन्होंने कहा कि यार लवली बहुत सख्त बीमार है और इस पोजीशन में नहीं है डीपीसीसी जाए, तुम लवली के घर चले जाओ और लवली से बात कर लो। मैंने कहा क्या बात करूं मैं? बोले एक तो अरीबा को तुम्हारी बेटी को सेंट्रल जोन का चेयरमैन बना दिया जाएगा, और तुम्हें 4-5 करोड़ रुपए हम एमसीडी कमिश्नर से एक्स्ट्रा बजट दिलवा देंगे। मैंने कहा मैं काउंसलर रहा हूं, एमएलए रहा, मुझे प्रोसेस पता है और ये काम करना होगा, मैं डायरेक्ट कर लूंगा, मुझे इतनी जानकारी है। नहीं समझा करो, अच्छा तो तुम लवली से मिल लो। मैंने कहा अच्छा चलो मिल लूंगा, मैं उठकर चला आया। उसके बाद मैं नहीं आया। मेरे पास मैं पिछले 15 दिन से कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर्स को, आज वो मुझे बार बार फोन करके कह रहे हैं ये बातें तुम्हारे पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन थी। मेरे पास इसलिए इन्फॉर्मेशन थी कि मेरा एक दोस्त बटला हाउस से बिरयानी कोरमा और नहारी बनवा के रामवीर सिंह भिदुड़ी के फार्म हाउस पर डेली लेकर जा रहा था, और वो मेरे घर के आगे से निकलता था। उसने मुझे बताया कि फला फला हम मीटिंग में बैठे हुए थे, यहां से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि हमारी डीपीसीसी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो आम आदमी पार्टी से कोऑर्डिनेशन ना करके वो रामवीर सिंह भिदुड़ी के फार्म हाउस में बीजेपी से कोऑर्डिनेट कर रही है। मेरे पास यहां से इन्फॉर्मेशन थी, और मैं ये बात दावे के साथ, देखिए मुझे लवली जी से नाराजगी है, मैं पिछले 4 महीने से डीपीसीसी नहीं गया। यूं नहीं गया कि मेरे कहने से ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बनाए, लेकिन बात ये लवली और सुभाष चोपड़ा के लोग हैं, है ना, लेकिन वो गलतफहमी में हैं। अभी आप फिर मुझे नेगेटिव दिखाएंगे, ये ओखला हल्का है जहाँ से मैं एमएलए रहा हूँ, इतना लड़के आके अंदर तक इनकी ठोकाई करेगा, फिर आप ही लोग दिखाएंगे कि ये लोग सड़कों पर हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा ये नहीं है लड़ाई झगड़ा, मेरा मुद्दा ये है कि सुभाष चोपड़ा को कांग्रेस पार्टी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का, आम आदमी पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, उन्हें इमीडिएट संदीप दीक्षित, लवली, सुभाष चोपड़ा
इन्हें इमीडिएट कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालकर रास्ता दिखाना चाहिए। ये जब तक रहेंगे, देखिए उनको बावरिया से नाराजगी हो सकती है, उनकी शिकायत जायज हो सकती है, लेकिन उसका पार्टी प्लेटफॉर्म पर एक तरीका हो सकता है। ये तरीका हो सकता है कि वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत नहीं मानते, आप खड़गे जी के पास जाते, आप अपना रिजर्वेशन दे देते और ये कहते कि इन हालात में मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन आपने, लवली जी ने पब्लिकली मीडिया को लेटर जारी कर दिया और वो एलिगेशन लगाए जिससे सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है। किसी के कहने पे इस्तीफा दिया, उन्होंने क्या कहना चाहते? देखिए ये पिछले 15-20 दिन से बीजेपी के कांटेक्ट में थे। अच्छा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर्ष मल्होत्रा का टिकट रिप्लेस हो सकता है और लवली जी यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट, पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा, मैं भी अलायंस के खिलाफ था, मैं भी नहीं चाहता था अरविंद केजरीवाल के साथ अलायंस करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगर फैसला था, हमने अपनी नाराजगी रखी। लेकिन जब कांग्रेस ने कहा नहीं, हमने बहुत दूर अंदेशी से ये फैसला लिया है, तो हमने एक्सेप्ट किया। हम अमानतुल्लाह एमएलए जिसने हमें हराया है, हम वहां पर भी आम आदमी पार्टी को लड़ा रहे हैं। लेकिन ये गुंडागिरी से मेरी जुबान बंद करने की कोशिश करेंगे तो ये गुंडागिरी चलेगी नहीं। आगे का क्या एक्शन रहेगा? हम इनके खिलाफ, ये पहले भी राजकुमार चौहान, लवली, ये सब लोग बीजेपी में जा चुके हैं। ये नहीं कह सकते कि हम दूध के धुले हैं, फिर जा रहे हैं बीजेपी में, को जाए बीजेपी में, को बीजेपी का फायदा पहुंचाएं। हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे और कांग्रेस की लड़ाई है।